12-3 और ये स्पेशल नंबर हमने करवाया था, इसके हमें अलग से देने पड़े 25,000 और घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया था, मैंने दिया था। तो उसके बाद बातचीत करके 23 की बैठी थी, फिर मैंने इसमें एक्सेसरीज लगवाई तो टोटल प्राइस मेरा 23.5 पॉइंट क्या है। तो इस गाड़ी का सेलिंग पॉइंट सबसे बेस्ट यही कि डार्क एडिशन। तो हेलो भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये की से आप पहचान चुके होंगे कौन सी गाड़ी है। तो जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा हैरियर का। अब इसके ओनर से मिलेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे कि उन्होंने हैरियर को क्यों चूज करा जब मार्केट में दूसरी एक्सयूवी 7W इतना अच्छा ऑफर था जिसमें आपको फीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं और प्राइस पॉइंट भी एक्सयूवी 7W को कम्पेयर करते हैं तो थोड़ा सा कम रहता है। और इन्होंने कार हार्डली में ली है तो स्कॉर्पियो एन पे क्यों नहीं गए, उसके लिए वेट क्यों नहीं करा। तो अब सबसे पहले तो मिलते हैं ध्रुव अरोड़ा भाई से जिनकी ये गाड़ी है और उनसे जानेंगे कि गाड़ी में क्या क्या पॉजिटिव है, इन्होंने इस गाड़ी को चुना। हेलो ध्रुव भाई। हेलो श्याम भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस यार बढ़िया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी वीडियो में आके। और ये है मेरी ब्लैक बीस्ट जो हैरियर के नाम से जानी जाती है। जरूर। और हैरियर में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैक्सिमम इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है ना वो इसके स्पेशल डार्क एडिशन आने के बाद ही बढ़ी है। ये बात तो सही है। वो होता है ना एक प्रोडक्ट का बेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या है, तो इस गाड़ी का सेलिंग पॉइंट सबसे बेस्ट यही कि डार्क एडिशन, डार्क से चमक जाती है दूर से कि हाँ भाई दाना वा रहा है एकदम अलग से ठाट है ब्लैक कलर की। वो बात तो है। अब आपने जब ये कार परचेज कर रहे थे तो एक्सयूवी 7W एक बहुत अच्छी कार है, उसमें फीचर्स इतने अच्छे देखने को मिलते हैं और मतलब टाटा की कार में ना लोग थोड़ा स्पेंडिंग पावर कम रखते हैं कि इतना अच्छा नहीं लगता उन्हें। हाँ, तो आप मैंने भी बहुत सोची थी एक्सयूवी 700 टाटा से कम से कम दो गुना ज्यादा फीचर दे रही है मुझे और कम्फर्ट भी चलो उसका कह सकते हैं गाड़ी के ऊपर है, लेकिन जो एक चीज मुझे टाटा हैरियर दे रही है वो है सेफ्टी। ये गाड़ी इंश्योर करती है, 5-स्टार रेटिंग है इसके पास ग्लोबल एनकैप की, कहीं आपके एक्सीडेंट हो जाए जिंदा निकलेगा बंदा, बाकी एक्सयूवी में ये गारंटी नहीं है। बट इसलिए मैंने हैरियर परचेज करी और कोई मेरा उसके स्पेसिफिकली रीजन नहीं था एक्सयूवी 700 को मना करने का, बट एक और एक रीजन था सेफ्टी जो कि ये गाड़ी पूरी देती है। और कोई गाड़ी नहीं सोची आपने 20-25 लाख के, जैसे जीप कंपस हो गई, सेफ्टी तो उसमें भी आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की मिलती है, लेकिन फिर भी जीप कंपस फिर एक पॉइंट ये भी था कि टाटा इंडियन कंपनी, इंडियन पे ज्यादा ट्रस्ट रहता है घर वालों का हमेशा, तो इसलिए फिर टाटा को ही डन करा। अच्छा, मतलब मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज का ही होता है ना, टाटा पे ट्रस्ट नहीं होता ड्यू टू इट्स पास्ट प्रोडक्ट, पास्ट प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन जब से फिर अब टाटा नया वो आने लग गई है तो टाटा चेंज हो गया काफी, पहले वो इंडिका वाली बात नहीं रही अब टाटा। और मैं बता दूं भाई की हिस्ट्री, एक बार इन्होंने स्कोडा सुपर्ब भी ओन कर चुके हैं, तो आप देख पाएंगे जो बंदा स्कोडा की कार ओन करता है उन्हें टाटा की कार पसंद आना, तो टाटा के लिए भाई हैट्स ऑफ है, टाटा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। हम तो मारुति की कार भी यूज करते हैं, सियाज, होंडा सिटी, टाटा, अभी टाटा की पहली कार है हमारे फैमिली में, नहीं तो यूजली मारुति सुजुकी या फिर होंडा, इसी में शिफ्ट होते रहते थे। तो भाई अब जैसे आपने टाटा हैरियर ली है तो अब आपको इसमें सबसे बड़ा मतलब आपकी यूएसपी तो यह था कि आपने डार्क एडिशन और सेफ्टी की वजह से आप इसको प्रेफर किया। हाँ जी। तो अब आपने आपको कितना टाइम हो गया कार को परचेज किया? ये मुझे हो गया 1 मंथ अराउंड हो गया। 1 मंथ के अराउंड हो गया, तो अब आपको कार लेने के बाद कुछ रिग्रेट महसूस होता कि अब कुछ मेरे को नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिग्रेट नहीं, जीरो रिग्रेट। तो कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं लगता आपको कार का? नेगेटिव पॉइंट ये कह सकते हैं फीचर थोड़े फील गुड फीचर की कमी है, बाकी फीचर पूरे हैं। जो होता है ना फील गुड फीचर, जो आपकी गाड़ी ज्यादातर आजकल चल रहा है हर चीज ठोक देंगे मतलब बेस मॉडल से ही, वो थोड़ा लगता है कि हाँ ये फीचर ज्यादा मिल सकते थे नहीं मिल सकते थे, लेकिन फिर जब सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ तो वो बात गायब हो जाती है बिल्कुल। और ना टाटा का थोड़ा ना रिलायबिलिटी इशू चलता है, जैसे कि बहुत सारे हैरियर्स की आपने देखी होगी वीडियोस, थोड़ा रिलायबिलिटी का इशू था, वो इशू चलता रहता है, वो तो हर कंपनी का चलता रहता है, एमजी एक्टर का ही पिछले बार कितना वो हो गया था जब नया नया आया था, लेकिन टाटा इम्प्रूव कर रही है अपने आप को, तो हमें भी टाटा को मौका देना चाहिए। मेरे को भाई की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब चलो इसके चलते ड्राइव पे, उसके बाद और ड्राइव पे आपसे बाकी क्वेश्चंस पूछते। अब भाई आ चुके इंटीरियर में, अब ध्रुव भाई से पूछेंगे इसकी ड्राइव क्वालिटी इन्हें कैसी लगती है। एंड हैरियर की पर्सनली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सोर्सिंग इन्होंने करी है वो हुंडई इंडिया से करी है, तो जो इसका ऑटोमेटिक का लैग है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस कार को 5-10 किलोमीटर से, तो जो हैरियर में ऑटोमेटिक की सोर्सिंग हुंडई इंडिया से की गई है, तो ऑटोमेटिक की जो ट्यूनिंग है बिल्कुल मैनुअल जैसी परफेक्ट है और कार में पूरा पंच मिल रहा है। तो भाई ड्राइव क्वालिटी में आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा इसकी, आपको ड्राइव क्वालिटी कैसी लगती है? ड्राइव क्वालिटी में एकदम A1 गाड़ी है, कोई इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं, बिल्कुल रिलीफ रहता है, ट्रांसमिशन में कोई इशू नहीं, एकदम परफेक्ट गाड़ी है, पिकअप बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं। बस एक नेगेटिव इसकी ड्राइव क्वालिटी में जो एक फैक्टर लगता है मुझे, हालांकि हैवी गाड़ी में होना चाहिए, इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है। एक्चुअली इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है, वेयर एज एक्सयूवी 7W में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है व्हेन कंपेयर टू एक्सयूवी 7W। वैसे तो स्टीयरिंग देखा जाए ठीक है, एसयूवी के हिसाब से वेट इसमें ठीक है। आपका क्या स्टीयरिंग के बारे में व्यू है? थोड़ा स्टीयरिंग इसका हार्ड है, लेकिन फिर हैवी ड्यूटी गाड़ी है तो स्टीयरिंग तो इसका हार्ड होना ही चाहिए, और एक आपको लगता है ना स्टीयरिंग हार्ड होता है फील आती है कि हाँ कुछ चला रहे हो, ये तो ऐसे तो कुछ भी घुमा दो पता ही नहीं चलता, इसको चला के लगता है कि हाँ जहाज उड़ा रहे हो एकदम, ऐसी फीलिंग आती है।
तो भाई अब आपको बताओ आपकी गाड़ी कॉस्ट आउट कितने की थी, आपको कोई डिस्काउंट मिला था, फिर वेटिंग पीरियड का फेस करना पड़ा था? वेटिंग पीरियड थोड़ा तो फेस करना पड़ा था, लेकिन फिर फाइनली निकली आई थी 2-3 हफ्तों में। अच्छा, 2-3 हफ्ते में आपको मिल गई थी। वैसे ऑफिशियली वेटिंग पीरियड कितना बोल रहे थे? मेरे को बोला था 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड, लेकिन 2-3 हफ्तों में आ गई थी। और बाकी एज सच कुछ डिस्कम्फर्ट अभी तक तो लगा नहीं, बढ़िया एकदम। और आपको कॉस्ट आउट कितने की कड़ी थी? XT A+ ऑटोमेटिक वेरिएंट है इनका, मैं आपको बता देता हूँ फॉर द इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिलते हैं पैनोरामिक। तो आपको कॉस्ट आउट कितने की कड़ी थी? ये मुझे उन्होंने 30.5 का दिया था, तो उसके बाद बातचीत करके 23 की बैठी थी, फिर मैंने इसमें एक्सेसरीज लगवाई तो टोटल प्राइस मेरा 23.5 ही बैठा था। अच्छा, मतलब आपको 50,000 का डिस्काउंट मिला था? हाँ जी, बेसिकली एक्सेसरीज आपको 50,000 की वर्थ मिल गई आपको। हाँ जी। अच्छा, मतलब कैश डिस्काउंट वो ऑफर नहीं कर रहे थे? नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं ऑफर कर रहे थे। मतलब आपको 50,000 की इसके साथ एसेसरी मिलेगी। तो अब बात करते हैं, जैसे ब्लैक कार है तो एसेसरी में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस गाड़ी में। आपको कुछ पेंट प्रोटेक्शन के लिए आपने अब तक कुछ कराया नहीं इस पे? अब तक मैंने कराया नहीं, मैंने सोचा था मैं बाहर से कराऊंगा, तो अभी उसका टाइम अभी मेरे को फ्री थोड़ा हुआ नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने करानी है इसकी, एक भी प्रोटेक्शन लगवाऊंगा मैं। पीपीएफ कराओगे या सेरेमिक की तरफ जाओगे? नहीं नहीं, पीपीएफ कराऊंगा। अच्छा, पीपीएफ, ठीक है। जब पीपीएफ की भी इंस्टॉलेशन होगी मैं आपको उसके भी डिटेल तरीके से वीडियो ले आऊंगा। पीपीएफ एसेसरी में आपने 50,000 से टाटा ने क्या क्या लिया एक बार वो हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर सकते हो? क्रोम मॉड्यूलिंग दी थी उन्होंने पूरी, इसके अंदर 2-3 डैश मैट दिए थे, और जैसे आप देख पा रहे होंगे जगह जगह नॉन स्किट मैट्स दे रखे हैं, जगह जगह नॉन स्किट मैट इंस्टॉल किए गए, अंदर मैट दिए थे, आगे हेरियर की बैजिंग दी थी, फ्रंट मैस्कॉट दिया था, बैक बैजिंग भी दी थी। अच्छा, वो इंक्लूडेड नहीं आती कार के साथ? नहीं, वो इंक्लूडिंग नहीं आती, क्रोम बैजिंग इंक्लूडिंग नहीं आती फ्रंट की, फ्रंट मैस्कॉट हमने दिया था, और ये डोर वाइजर दिए थे, ये सब चीजें उन्होंने दी थी, बस बेसिक एसेसरीज थी बेसिक। और भाई जैसे कि आपका आपकी जो है डीजल कार है तो इसमें पेट्रोल नहीं आता, तो अब डीजल में इसकी माइलेज क्या है ऑटोमेटिक? माइलेज आप लगा लीजिए, इसकी सिटी के अंदर 8-9 दे देती है, हाईवे पे ले जाओ तो 10-11 दे देती है। अब भाई सिटी में 8-9 बहुत लोग, कुछ लोगों को लग रहा होगा कम एवरेज है, पर जो इसका साइज है आपको इसके अंदर फील मिलती है प्रॉपर एसयूवी वाली, तो उस हिसाब से 8-9 कोई बुरी एवरेज नहीं है। जो आपको प्रॉपर एसयूवी वाली आप फील ले रहे हैं, सीटिंग बिल्कुल आप हाई लेवल पे ले रहे हैं, तो 8-9 एवरेज डिसेंट एवरेज पे, और एवरेज बेसिकली ड्राइविंग स्टाइल पे भी बहुत ज्यादा डिफर करती है। अगर आप ड्राइव थोड़ा इसको इजीली करेंगे तो फिर ड्राइव बहुत अच्छी मिलेगी। और भाई आपको कहना है कि आपने गाड़ी अभी हार्डली में परचेज करी है, पर जो इसकी मीटर में रीडिंग आ रही है वो 5,200 किलोमीटर की आ रही है, तो भाई इतनी रनिंग कैसे हो गई? जी वो हमारा डेली का 200 किलोमीटर का अप एंड डाउन है, तो उस हिसाब से तो चली सकती है। अच्छा, डेली 200 किलोमीटर अप एंड डाउन, तो अब सर्विसिंग कराई है आपने इस गाड़ी की? हाँ, इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है। तो वहाँ पे बेसिकली अब जो टाटा को ट्रोल किया जाता है ना, उस सर्विस के ऊपर ही ट्रोल किया जाता है, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा? मेरे को तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा सर्विस एक्सपीरियंस का, मैंने इसकी सर्विस कराई थी भिवाड़ी से अपनी फैक्ट्री के पास में ही, तो मुझे ऐसा उनकी तरफ से कोई इशू या डिले या कुछ भी नहीं करने को मिला। उन्होंने पिकअप भी करी, ड्रॉप भी करी, और A1 सर्विस दी, कोई इसमें मुझे फील नहीं हुआ कि टाटा की सर्विस जो लोग कहते हैं खराब है, ऐसा कुछ मुझे फील। अब धीरे धीरे बेसिकली मेरा क्या कहना है कि सर्विस बेसिकली इम्प्रूव हो रही है, अब बहुत फास्ट मिस्टेक्स को टाटा जो है कवर कर रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रहा है, टाटा पंच होगी, हैरियर होगी, अपने पुराने इश्यूज को रिजोल्व कर रहा है पूरी तरीके से, और टाटा एक नई कंपनी की तरह उभर के आ रहा है मार्केट में। हाँ, वो बात तो आपकी बिल्कुल जेन्युइन लगी मुझे, बस टाटा ना इन्हें एक चीज में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, इनका लोगो भी थोड़ा इन्हें चेंज करना चाहिए। हाँ, लोगो इन्होंने अपना वही पुराना टाटा वाला लोगो रखा हुआ है, अब ये इन्हें भी महिंद्रा की तरह अपना लोगो चेंज कर लेना चाहिए थोड़े मोड़। तो भाई वीडियो के एंड की तरफ आ चुके हैं, आपको होप करता हूँ आपको इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ध्रुव भाई ने अच्छे से दे दी होगी। अब सबसे लास्ट में जो एक बात मेरे को स्टार्टिंग में पूछनी थी अब वो रह गई है, अभी जो इस कार का नंबर है 1230, अब थोड़ा वीआईपी नंबर लग रहा है, नंबर की कहानी बता दो आप। अरे नंबर की कहानी मेरे बहुत ही दिल से जुड़ी हुई है, ये मेरी बर्थ डेट है 12th March 12/3, और ये स्पेशल नंबर हमने करवाया था, इसके हमें अलग से देने पड़े 25,000, और घर वालों को बहुत मुश्किल से बनाया था मैंने, लेकिन फाइनली आ गई और नंबर मिल भी गया। और भाई मतलब नंबर ना अपनी कार पे जरूर लगवाना चाहिए, मतलब एक आपकी गाड़ी को स्पेशल ऑस्पिशियस चीज बना अलग फील आती है, कुछ नंबर होते हैं जो आपसे दिल से कनेक्टेड होते हैं, और अभी कार में भी वही बात आ जाए तो फिर एक 4 चांद लग जाते हैं। मतलब जब आप इतने आपने 23 लाख रुपए खर्चे हैं गाड़ी पे, तो फिर आप एक 70-75 हजार लगा के अगर आपको नंबर मिल रहा है, और इनको ये नंबर एक्सपेंसिव मिला क्योंकि इनकी बर्थ डेट थोड़ी यूनिक थी, 1-2-3 कंटिन्यूएशन में थी, इस सीरीज में थी। अगर आपको नंबर वैसे 25,000 में डेली में आपको नंबर शुरू हो जाते हैं, 40 में नंबर स्पेशल शुरू हो जाते हैं, स्पेशल जो फैंसी नंबर की कैटेगरी में आता है, ये थोड़ा वीआईपी नंबर में भी आ जाता है, इस वजह से। तो भाई की बर्थ डेट ऐसी थी, भाई भी वीआईपी बंदा है इसलिए।
तो जैसे फैंसी नंबर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जैसे फैंसी नंबर होते हैं वो उसका पोर्टल होता है, बना हुआ होता है, एम परिवहन पे आप जा सकते हैं, पोर्टल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं आपकी नंबर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हो सकता है आपको 25,000 में भी आपका जो आपको स्पेशल नंबर चाहिए वो मिल जाए। जैसे मेरी एक फ्रेंड की किया सेल्टोस में भी आपने देखा था, उन्होंने 25,000 में लिया था अपना जो नंबर चाहिए था। तो अब बस इसको वीडियो को हम यही एंड करते हैं। होप करता हूं आपको ध्रुव भाई का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। तो इसके बाद इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं।